तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं मोहम्मद कासिम बात कर रहा हूँ। एक और माइनक्राफ्ट की वीडियो सामने आ चुका हूँ। तो आप सब लोग जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी हीरो ब्रांड वाली स्किन, तो इस वाली की एक्सपेरिमेंट चैटिंग करने वाला हूँ। मैंने एक और डायमंड की पिकैक्स बना ली थी। आप लोगों को पता है कि मैं अमीर हो गया था, अमीर अमीर अमीर, ठीक है। अभी मैं जाके आप लोगों को एन्चेंटिंग टेबल की रेसिपी बता देता हूँ। बहुत आसान है, मैंने बना लिया था। आप लोगों को पता है मैं ऑब्सीडियंस भी ले आया था, और क्या नाम है, पिकैक्स की तो आपको रेसिपी पता है। ये चार ऑब्सीडियन, दो डायमंड और एक बुक्स हमें चाहिए होती है इसके लिए। और इस वजह मुझे और कुछ करना नहीं था, बस एक पेपर। और अब मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड काम करना पड़ेगा इसे को इंचेंट करने के लिए। इसके लिए हमें लैपिस लेजुली चाहिए, ठीक है, लैपिस। तो इसको मैं अब इंचेंट करता हूँ, ठीक है। 2000 years later तो यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी 2 मिली है, ये 1 मिली है, ठीक है। तो इससे मैं तोड़ के देखता हूँ। थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है, लेकिन एक मसला है, मैं एफिशिएंसी इसमें 5 लगाने वाला हूँ। वापस से हम लोग करेंगे। एक सेकेंड, ये वापस नहीं हो सकता यार, मेरी डायमंड की पिकैक्स ज़ाया हो गई। चलो खैर है, हम इसको वैसे ही वहाँ पे रख देंगे। जब हम माइनिंग के लिए जा करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक काम करता हूँ, मैं बुक्स में इंचेंटमेंट्स लगा लेता हूँ। ए बुक पे है शार्पनेस 1, एफिशिएंसी 1। शार्पनेस 1 मेरे ख्याल से लगा लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्वॉर्ड में लगाऊँगा, फिर एक एनविल से लगाऊँगा, फिर 2-3, और पियर्सिंग 1, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1। एक सेकेंड, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1, पियर्सिंग 1 कर लेता हूँ। आप लोग मुझे बताना इसका भी क्या यूज़ है, मुझे हालांकि कुछ खास पता नहीं है इंचेंटमेंट्स के बारे में। मैं नूब इंचेंटर हूँ। मज़ा लेवल रिक्वायरमेंट पावर 1 है इसमें, पावर 1 है, ठीक है, पावर 1 हमारे पास। एक और बुक ले लेता हूँ, और प्रोटेक्शन 1 प्रो, यार एक काम करता हूँ, एफिशिएंसी 1 ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं अपनी लैपिस रख लेता हूँ, लैपिस, मजाक कर रहा हूँ, लैपिस नहीं, लैपिस अपना रख लेता हूँ चेस्ट में। और यहाँ पे मैं अपने ब्लॉक्स में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं तरतीब से मैंने सारा रखा हुआ है, तो अभी मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। और मैं यहाँ से अपनी क्या किधर की है वो, एक सेकंड मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं अभी क्या ले रहा हूँ। निकालता हूँ ये डायमंड, ओए डायमंड्स की हूँ, मैंने डायमंड्स का क्या करना है, मुझे सिर्फ तलवार बनाने के लिए हमें कितने डायमंड चाहिए होते हैं, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, 2 डायमंड की हमारी स्वॉर्ड बनती है, तो मैं स्वॉर्ड बनाऊँगा डायमंड की। और फिर आप लोग जब मॉब से लड़ा करेंगे ना नॉर्मल में, तो फिर हमें पता चलेगा, हा। फिर ये आयरन की स्वॉर्ड कुछ नहीं रहेगी, इसमें मैं लगाऊँगा शार्पनेस 3। जब एक एक करके शार्पनेस बढ़ जाती है ना, तो यानी कि मैं एनविल से लगते हैं, आप लोगों को पता भी है, तो एनविल आपको पता है मेरे पास पहले कपड़ा हुआ है, एनविल से मैं बनाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा काम है स्वॉर्ड बनाना, इसके बाद मैं मुझे इंचेंटमेंट्स का बारे में कुछ पता नहीं है, तो अभी पहले तो मैं जाके देख लेता हूँ इंचेंट का। और यहाँ से मैं पावर 1, और ये इसमें नहीं लगता, पिकैक्स में लगना चाहिए ना, यानी कि पावर 1 का मतलब स्वॉर्ड में भी नहीं लगता यार, इसका क्या काम, ये लेवल तो नहीं मेरे से मांग रहा। एक काम करता हूँ, इसे फेंको, शार्पनेस 1, ओह शार्पनेस 1 लग गई, ठीक है, पियर्सिंग पावर 1, और ये एफिशिएंसी 1, और अब मैं इसे लगाऊंगा और ये हो जाएगी एफिशिएंसी 2। अब मेरी ज़रा स्पीड तेज़ हो जाएगी, और यहाँ पे रखता हूँ, हो ही नहीं रहा। अच्छा चलो फिर एक काम करते हैं हम लोग, कि पियर्सिंग 1 को हटा देते हैं, और हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, और मैं और भी इंचेंटमेंट्स देखता हूँ, क्योंकि आज का हमारा टास्क यही है कि मैं इंचेंटमेंट्स करूँगा, ठीक है। और पावर 1, आहा, जब मेंडिंग इसमें लगेगा ना, मुझे सिर्फ अभी तक ये मेंडिंग का पता है, जो कि आपको जब आप XP लेते हो तो उससे आपकी हेल्थ बढ़ जाती है, लेकिन वो आपको अपने हाथ में पकड़ना पड़ता है। और बैड न्यूज़, हमारे पास ज़ॉम्बी स्पॉनर नहीं है जिससे हम XP लेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में हमारे पास ज़ॉम्बी स्पॉनर भी आएगा। तो फाइनली यार मैंने नीचे जाके चेक किया था कि इंजन 2 वाली, एफिशिएंसी 2 वाली पिकैक्स कितना ज़्यादा तोड़ती है, तो इसलिए मैंने ये कर लिया था।
एक में फ्लेम है, फ्लेम तो मुझे अब पता चला कि बकवास इंचेंटमेंट होती है दरअसल उसके लिए, तो मैं इस वाली इंचेंटमेंट को रिमूव कर दूंगा, यानी कि जो इसमें फ्लेम लगी हुई है मेरी पिकैक्स में, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसे तरह मैं नॉर्मल पिकैक्स से तोड़। तो फाइनली मैंने यहाँ पे बुक्स क्राफ्ट कर ली है, ठीक है, और वापस ले लैपिस लैपूजी नहीं लेजुली ले लेते हैं, पियर्सिंग वन। अब यार मुझे कोई अच्छी सी मिल जानी चाहिए, शार्पनेस वन। लो जी, अब करनी तो पड़ेगी, मेरे पास है ही आगे ही एक्सपी लो है मेरा शार्पनेस वन। ओ एक काम करता हूँ ना मैं, अगठे नहीं होती, चलो मैं काम करता हूँ, ये क्यों नहीं ले रहा, एक लैपिस का नहीं होता यार। एक काम करता हूँ कि फिर चलो फिर हम लोग यहाँ से फिर चलते हैं, वैसे भी नहीं अब होने वाला यहाँ पे कुछ भी, लेवल मांग होता ही नहीं है, चलो लेवल मांग रहा है, पियर्सिंग वन है, एफिशिएंसी टू। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कीमती चीज़ों में इंचेंटिंग इंचेंटमेंट बुक्स भी आती हैं, तो ये वाली मैं बुक्स रख देता हूँ, और अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बुक्स, हाँ वाली भी पावर वन, और पेपर यहाँ पे रख देता हूँ। हाँ सही है ना, अभी काम करता हूँ, इनको भी यहाँ पे आके रख देता हूँ, ठीक है। अब इंचेंटिंग्स लगाऊंगा एनविल से, काम करता हूँ सारी ले जाता हूँ, और इंचेंटिंग देखता हूँ किस किस पे लगती है, ठीक है। तो पीसिंग वन तो मुझे पता है किसी में नहीं, पावर वन भी नहीं, शार्पनेस वन ये, और ये तो शार्पनेस टू, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है, ये ले क्यों नहीं रहा यार। एक काम करता हूँ मैं चेंज कर लेता हूँ यार, तब भी ये ले रहा है, ये क्या कोस्ट नाइन यार, ये एक्सपी मेरे से मांग रहा है, और अब मैं क्या करूँ, एक्सपी चाहिए तो अब एक्सपी के लिए तो मुझे, मैं कहाँ से लाऊँगा, तो उसमें नहीं लगी कोई भी इंचेंटमेंट, तो मैं यहाँ पे अब आ गया हूँ टेस्ट करने किसी भी जॉम्बी वगैरह को मार के, ठीक है। पर यार ये यहाँ पे मुझे कोई मूव वगैरह नज़र ही नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ मैं उस वाले केव में चलता हूँ, और ये खोदा हुआ था, खोदा हुआ। और आप लोगों को एक सीक्रेट बताऊँ, किसी को नहीं बताना, ये वाला मैंने ही खोदा था अंडरग्राउंड, क्योंकि बाज़ू का यहाँ पे चेस्ट चेस्ट पड़े होते हैं इनके, तो मैंने खोद के चेक किया, मैंने सोचा कि कुछ कर लेते हैं। ओ ये बिल्ली फंसी हुई है, बिल्ली इधर आओ, एक काम करता हूँ, ओ मारी है, मारी है, अंदर नहीं हो रही और ज़्यादा, चलो यार इसको छोड़ो, इस बेचारी को क्या मैं मारूं, बेचारी प्रिजनर बनी हुई है फेंसेस गेट के अंदर, अब ना इसने सर फंसाया हुआ है। शार्पनेस वन है यार, ये कोस्ट मांग रही है मेरे से, और ये चेंज नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ एनविल में रख के वापस देखता हूँ पावर वन, तो यार ये आ रहा है ना, ये एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, आर एरर, एरर आर है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वाली ये वाली इंचेंट क्यों नहीं लग रही इंचेंटमेंट, ठीक है। और शार्पनेस वन, ठीक है, मैं यहाँ से अब चलता हूँ, और अब मैं इधर उधर कहीं देखते हैं हम लोग, अब कोई काम अब हम लोग करते हैं अपनी, आज जॉब करते हैं माइनक्राफ्ट की। तो यहाँ मैं अंदर आ गया हूँ विलेजर्स के पास, यहाँ पे तीन तीन आयरन गोलम स्पॉन हो गए हैं, ठीक है। ये लाइब्रेरियन यार वो इंचेंटमेंट्स मुझे एक देता है लाइब्रेरियन, वो वाला किधर है, उफ ला यार ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, वैसे मुझे इनको मार भी मारा ना तो आयरन गोलम ने मुझे मार देना, मेरी ऐसी की तैसी कर देनी है। हाँ उल ये दे रहा है शार्पनेस थ्री, बहुत खुश हो गया हूँ मैं, शार्पनेस थ्री यदि 10 कोल के बदले मुझे एक दे रहा है। सबसे पहले तो मैं टास्क यही कंप्लीट करता हूँ कि इस बंदे को मैं यहाँ से कोल ला कर देता हूँ, और कोल के बदले मैं इससे एमरल्ड ट्रेड करता हूँ। ओके अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, और डॉगी साइड पे शार्पनेस वन वाली भी रख देता हूँ, ब्रेड साथ रख लेते हैं हम लोग खाना खाएंगे, बस मुझे सिर्फ कोल लाना है, ठीक है। तो अब मैं वहाँ पर केव के पास जाता हूँ,
उफ यार ये बड़ी स्लो तोड़ी है, मैं बोर हो गया हूँ स्वेली पिकैक्स से। एफिशिएंसी 5 मेंडिंग, जब ये आएंगे ना बाइस बस मज़े ही मज़े हैं। और एक और आप लोगों को ज़रूरी बात बता दूं कि अभी हम लोग केव के अंदर जाएंगे और जाके कोल ढूंढेंगे, और अब मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आ गया हूँ अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ। ओके 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 तो यहाँ पे इर्द गिर्द कहीं कोल पड़ा हुआ था, मुझे याद है, मुझे याद आता है याद। ओ कोल मिल गया, देखो जी कोल का नाम लिया तो कोल मिल गया। अब मुझे माइन करते हुए से घंटा लग रहा, 2,000 years later. तो फाइनली अब 2,000 साल के बाद मैंने अपना कोल यहाँ पे माइन कर लिया है। और ये कॉबवेब तो यार उससे टूटता है, मैं भूल ही गया। तो अभी मैं थोड़ा सा और कोल ले लेता हूँ, क्योंकि ये कितना कोल है, 21 कोल, 21 कोल से काउ नहीं। टॉनी यार ये खड़े भी नहीं हो रहे ना, टॉनी और कुत्ता मेरे इधर हैं यार, डॉगी खड़ा हो जा यार प्लीज यार, ये आप कमेंट में मुझे बताओ ये खड़े क्यों नहीं हो रहे, यानी कि मैं राइट क्लिक दबाता हूँ तो ये खड़े नहीं होते। और मैं यहाँ से रेल ले जाता हूँ, तो अब यहाँ से नीचे उतरते हैं हम लोग और मैं वापस इधर आ गया। कुत्ता खड़ा हो जा, ओह सो सॉरी यार, ये क्यों ना अगर मैं इनको, यार ये क्या पता ये रॉटन फ्लैश खाने की वजह से हो जाए यार, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मेरे डॉगीज खड़े नहीं हो पाते, माजूर हो गए हैं, बहुत सैड हूँ यार मैं, नहीं मैं सीरियस हूँ, मेरे डॉगीज माजूर हो गए, अब खड़े नहीं हो सकते। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो माजूर क्यों हुए हैं मेरे डॉगीज, ठीक है? और ओए ये कौन सा रास्ता है ऊपर जाने वाला, ये मैं केव की कौन सी जगह में आ गया हूँ जो इतनी अजीब रास्ता ही नहीं के ऊपर जाने का, और सब कुछ अजीब सा है। ओए ये कौन सी जगह है ये गाइस, ये वही जगह है, ये हमारे विलेज के बिल्कुल, हमारे घर के बिल्कुल सामने है। और ये मेरा, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये रास्ता इधर से निकल रहा है, मुझे ज़रा भी नहीं पता था, मेरे दिमाग में तो यार ये प्लेस भी नहीं थी, मैं भूल गया था, मेरे माइंड में था ही नहीं। और अब मैं इस वाले कॉल को तोड़ता हूँ, टक 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 टक, 1, ओ एक्सपी तो मुझे यहाँ से भी मिल रहा है, 4, आधा हो गया, अब और आधा, अब 5 होने वाला है बहुत जल्दी 5 होने वाला है। जब मैं पहले होता था ना मैं भी बोलता था ये लेवल्स का क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारी चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं, तो बाद में मुझे पता चला कि इसका ये फ़ायदा होता है, बाद में नहीं अभी मुझे पता चला। तो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ बाहर और मैं नॉर्मल वे वापस कर लूँ, ठीक है? बल्कि पीसफुली यार, ठीक है? अब ये ना कहना यार ये पहले के मेरे रिकॉर्ड हुए हुए हैं इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता, आ ठीक है? तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो फिर देखा जाएगा, और आगे जाके फिर मैं नॉर्मल में खेला करूँगा, बिकॉज़ अब मुझे कोई क्रीपर्स से डर नहीं लगता अब, ठीक है? बिकॉज आई एम द माइनक्राफ्ट प्रो प्लेयर, ठीक है? अब मैं अंदर यहाँ से चलता हूँ, शुगर कैन हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो यहाँ से मैंने शुगर कैन तोड़ ली है। और यार ये वाटरमेलन मेरी फसलें ख़राब, यार यार ये देखो यार आप लोग देख सकते हैं ये मेरी वाटरमेलन फसलें ख़राब कर रहा है, फसलें ख़राब कर रहा है। और आयरन गोलम भाई साहब कैसे हैं आप लोग, ठीक है?
और इन विलेजर्स की मैं इनको मारने वाला हूँ। अब मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। आज मैंने सिर्फ एक इंचमेंट ली है एडवांसमेंट, तो सो सॉरी फॉर। ठीक है तो ओ ये मुझे और चीज़ें दे रहा है। हाँ ये जब मास्टर में जाएगा कितनी फिट, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। एक एमरल्ड और 6 के उसकी जगह ये मुझे कुक्ड सैलमन दे रहा है। इससे बेहतर मैं खुद कुक लूँ, कुक कर लूँ। ठीक है यार 15 मांग रहा है, बहुत महंगी नहीं दे रहा। शार्पनेस 3। फिर एक काम करता हूँ, मैं आने वाले एपिसोडों में इसको मार दूंगा। ओ सो सॉरी, मारूंगा नहीं, इसे जॉम्बी में कन्वर्ट कर दूंगा। और उसके बाद मैं इसे पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन का एप्पल दूंगा, और ये मुझे अच्छी ट्रेड्स देगा। हा। ठीक है तो अब मैं आ गया हूँ यहाँ से, घंटी बजा रहा हूँ। यार ये विलेजर्स बाहर आ जाते, आने की कोशिश करते हैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़। और आप लोग मुझे बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही था, अल्लाह हाफिज़।